किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। क्रय मूल्य जितना है उतनी ही प्रतिशत की उसको हानि होती है। उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बताना कि वो कितने रुपए में खरीदी गई थी। ये देखिए इसका एक ट्रिक है, 21 को लिख लीजिए। इसके ऐसे फैक्टर बनानी है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, प्लस या माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए इसके ऐसे दो फैक्टर है, 7 और 3, ये दो ही ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, और इसको प्लस या माइनस करेंगे यानी कि प्लस कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। अब देखिए 7 3 21 आ गया। तो हमने क्या करना है, उसने पूछा है कि ऐसी कौन सी वो वैल्यू है जिसको खरीदने पर और 21 रुपए में बेचने पर हम क्या करेंगे, जो भी इनके पीछे जीरो लगा देंगे, और ये जो छोटा जो है ये वाला इसकी क्रय मूल्य होगा, ये इसका क्रय मूल्य होगा कि वो चीज 30 रुपए में खरीदी गई थी और उसको 21 रुपए में बेच दिया गया था, तो उसको लॉस हो रहा था 9 रुपीज का। यही कह रहा है कि 30% ही उसको हानि हो रही है, यानी कि 30 पर 9 उसका 30% लॉस है। यही सवाल है, देखिए 30 पे 9 क्रय मूल्य पर 9 की हानि कितने प्रतिशत है। अगर हम प्रतिशत निकालेंगे, 3 3 9 3 10 30, ये देखिए 30% का लॉस। यानी कि देख ये क्रय मूल्य 30 था और 30 ही% उसका लॉस आ रहा है। यही पूछा गया था कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस जानने के लिए हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे उस वैल्यू के जिस पे वो बेची गई है, उस वैल्यू के सेलिंग प्राइस के, कि उसके प्लस या माइनस करें तो 10 आना चाहिए, 7 प्लस 3 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो जो छोटे वाली जो वैल्यू होगी वही उसका कॉस्ट प्राइस होगा। इसका बस यही आंसर है। अब देखिए इसको समझने के लिए एक और करते हैं। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखिए 75 में बेचने पर उसको उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। ये तो हानि हो रही थी, अब लाभ हो रहा है उसको, उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितना उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 10% है तो 10% का ही प्रॉफिट हो रहा है, कितने में, 75 रुपये बेचने में। आप देखिए वही है कि 75 को लिख लीजिए, उसके दो ऐसे फैक्टर बनाने जिसको प्लस या माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 15 5 75 होता है और इसको माइनस करेंगे, 15 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ये जरूरी है कि प्लस या माइनस करेंगे इनको तो 10 आना चाहिए हमेशा, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये जो वैल्यू है ये आनी चाहिए। 75 है जो, या जो भी, जैसे 21 थी तो 21, 75 है तो 75 आनी चाहिए। और जो छोटे वाला उसके पीछे जीरो लगा दो, इसके पीछे भी जीरो लगा दो। इसका मतलब क्या है कि ये जो 50 जो है ये इसका क्रय मूल्य था और यही इसका आंसर भी है। अब ये 150 क्या होता है, 150 का मतलब होता है 50 पे 150, यानी कि ये उसका प्रॉफिट है। 50 पे 50 का, यानी कि 100 पे 50 का लाभ, यानी कि 50 पे 50 का लाभ है। कब, जब 75 रुपये में उसको बेचा जाएगा। अब देखिए एक और ऐसा ही सम लेते हैं। किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचता है और उसको क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 56 में बेचता है, 56 में बेचता है तो उसको उतने ही प्रतिशत क्रय मूल्य के प्रतिशत बराबर लाभ होता है। जितना क्रय मूल्य है उतना ही उसका प्रतिशत लाभ है 56 रुपये में बेचने पर। तो वही है इसका भी, इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने होंगे कि प्लस या माइनस करने पर 10 आएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। 14 की 4 से करेंगे तो 56 मल्टीप्लाई होके आएगा, और इसको माइनस कर देंगे 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसके पीछे भी जीरो लगा दो, इसके पीछे भी जीरो लगा दो,
वो वैल्यू ये होगी, ये कॉस्ट प्राइस है, उस पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, कब, जब 56 में उसको बेचा जा रहा है। ये देखिए ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये उसका प्रॉफिट जो परसेंटेज होता है वो होगा, और ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो ये आंसर है इसका 40। अब एक और है कि 96 में बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ होता है, 96 में, 96 में बेचने पर उतने ही क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत का लाभ हो रहा है। 96 को इधर लिख लेंगे, इसके दो फैक्टर बनाएंगे जिसको प्लस या माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। सिक्सटीन में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। ये इसका सेलिंग प्राइस है इतने में बेचने पर, कितने में खरीदने पर, 60 में, इनके पीछे जीरो लगा देंगे, उस पर कितना प्रॉफिट, 60%, यानी कि 100 पे 60%, 160% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर इसका ये सीपी आ गया और ये इसका आंसर है। ₹144 को ₹144 में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, 144। तो इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे, प्लस या माइनस 10 हो जाएगा, और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 यानी कि ₹144 होगा। अगर हम 18 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 144 आ जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे तो 10 आएगा, यही इसकी ट्रिक है। और इसके पीछे भी जीरो लगा देंगे, इसके पीछे भी जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा सीपी निकल के आया। ये तो एसपी था क्योंकि इतने में बेचने पर, कितने में खरीदने पर, ₹80 में खरीदने पर कितना लाभ हो रहा है, 180 यानी कि 100 पर 80%, यानी कि 80% इतना इसका प्रॉफिट हो रहा है। ये इस तरह से इस साइकिल में ये देखिए, किसी वस्तु को ₹90 में बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के पांचवें भाग के बराबर लाभ होता, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताना है। सेलिंग प्राइस हो गया ये, विक्रय मूल्य यानी कि ₹90 में उसको बेचा है तो सेलिंग प्राइस, इसका पांचवें भाग लाभ होता है, ₹90 का पांचवा भाग कितना होगा, ये होगा। तो ये ₹90 का पांचवा भाग 18, ये इसका लाभ हो गया यानी कि प्रॉफिट हो गया। जब ₹90 में बेचने पर 18 का लाभ हो रहा था, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और उसका प्रॉफिट भी है। तो देखिए, हमेशा जब भी हम प्रॉफिट या लॉस इसका प्रतिशत निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस है ₹72, इस पे ₹18, कितना प्रतिशत है, 18 चौका 72, 4 से 100 कटा 25 पर, तो आ गया 25% लाभ, और यही इसका आंसर है।